हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज मॉर्निंग में क्या है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आपके पार्टनर से, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। आज सुबह क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में? ऑल साइंस रीडिंग है, टाइमलेस है, आप सबके लिए है। आप सबका दिन बेहतरीन जाए। गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आज सुबह आपके लिए? क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में? थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस, इनका ही आपका साइन हो सकता है। आपके पार्टनर आज सुबह मुझे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आई थिंक आपका या इनका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, या इस पर्सन का कुछ ऐसा प्लान है जहाँ पर आप दोनों मिलोगे, जहाँ पर आप दोनों की मीटिंग होगी, सेलिब्रेशन होगी। और इस सेलिब्रेशन में, इस पार्टी में फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई पार्टी होने जा रही है, गेट टुगेदर देख पा रही हूँ मैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे। हैप्पी बर्थडे, अगर आपका बर्थडे है तो उनका है तो हैप्पी बर्थडे। तो मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ये सोच सोच कर आपके पार्टनर मुझे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक अलग ही खुशी देख पा रही हूँ मैं आपके बारे में सोच कर, काफ़ी खुश, काफ़ी हैप्पी होते मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। और क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आप क्या लें? आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, सुबह सुबह आपको स्टॉक करते हुए सोशल मीडिया पर, आपको स्टॉक करते हुए देख पा रही हूँ मैं। ये भी देख पा रही हूँ अगर आपने कोई पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, पिक्चर डाला है, अपलोड किया है, आपके पार्टनर देखकर काफ़ी चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे बिना ये क्या हो रहे हैं इनके लाइफ में, कितना खुश हैं हमारे बिना, हमारे बिना इनके लाइफ में ये सब चल रहे, इतने सेलिब्रेशन हो रहे, ये कर रहे हैं हमारे बिना, कितना खुश नज़र आ रहे हैं। क्या ये हमें भूल चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जेलस फील कराने के लिए ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? इनको यही लग रहा है कि आप इनको जेलस फील कराने के लिए, इनको चिढ़ाने के लिए आपने अपना कोई ब्यूटीफुल पिक्चर अपलोड किया है जिसमें आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं गए हो, पार्टी वाली कोई फोटो डाल दिया है, या ऐसा कुछ पिक अपलोड किया है जिसमें बहुत खुश हो, हैप्पी हो आप। तो आपके पार्टनर मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हुए, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दिए हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी इनका साइन हो सकता है। और क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आज सुबह आप क्या लाए? आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको अपने बिना खुश देखकर, एंजॉय करते हुए देखकर काफ़ी हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको अंदर से काफ़ी दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा जुर्म आपने कर दिया है, चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, इनके बिना खुश रहकर, हैप्पी रहकर आपने कुछ गुनाह कर दिया है। ये वाले वाइब्स इस पर्सन से मिल रही है मुझे। आपके पार्टनर का ये थॉट्स देख पा रही हूँ मैं, आपको खुश देखकर अलग ही दर्द हो रहा है इस पर्सन को कि हमारे बिना इतने खुश हैं, हैप्पी हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम इतना बेचैन हैं उनके बिना, उनसे बात किए बिना तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं उनके लिए, उनको दिन रात स्पाई कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, और वो हैं कि कितने खुश हैं, क्या हमें भूल चुके हैं वो, क्या सच में उन्होंने रिश्ते का एंड कर दिया है और किसी और के साथ हैं? ऐसा तो नहीं है। ये सब मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दिया है। कुछ लोग लिए ऐसा भी फील कर पा रही हूँ आपके लाइफ में कोई और आए हैं, या इन्होंने उड़ती उड़ती खबर सुना है, देखा है कि आपके पास रिश्ता है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, शादी का रिश्ता आया है, मंगनी हुआ है, तय हुआ है रिश्ता, ये भी हो सकता है। बहुत दर्द में है अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है, काफ़ी दर्द में देख पा रही हूँ मैं अगर ऐसा कुछ है तो। और क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए? ये पर्सन तो आपको ही अपना एंजल मानते हैं, ये तो आपको अपना
गार्डियन मानते हैं। आप इस पर्सन के लिए एंजल हो, बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को हिल ही करना चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहते हैं कि वापस से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है स्टार्ट हो जाए, नई शुरुआत हो, आप दोनों साथ में आ जाओ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या तो कभी आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाउट किया, जो भी हो पास्ट में जो भी हुआ है, डिस्ट्रैक्शन इनके साइड से रहा है, आपके साइड से रहा है, रिश्ते का एंड हुआ है, पर फिर से क्यों ना एक नई शुरुआत क्यों नहीं हो सकता, फ्रेंड्स तो बनकर रह ही सकते हो ना। ये पर्सन फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच आप दोनों ने डिसाइड किया है, या इन्होंने कहा था कि फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, तो क्या सच में आपने इस रिश्ते को सिर्फ फ्रेंडशिप तक सीमित रख रहे हो, क्या आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में? इनको काफ़ी दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको मूव ऑन करते हुए देखकर आपको इनके बिना भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशी खुशी स्पेंड करते हुए देखकर आपने खुद को हील कर लिया है। इनको ऐसा लगा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप इनसे मूव ऑन कभी नहीं कर पाओगे, और इस पर्सन के लिए काफ़ी आसान होगी मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ना। मैं ना ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग के लिए आई थिंक फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके रिश्ते में, या फ्रेंड्स के बात में आकर ये इस पर्सन ने आपसे फाइट किया, आपका डाउट किया, रिश्ते का एंड किया, इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को ला लिया, पर ये पर्सन खुश नहीं है वहाँ पर आपके साथ रिश्ते का एंड करके, मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है आज के दिन आप दोनों के बीच। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। क्या पॉसिबिलिटीज़ है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का? आपके लिए नंबर 3, 13, 11, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14, 15, 16, 22 या 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 43 भी। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आज आप दोनों के बीच, उनके और आपके बीच क्या हो सकता है आज के दिन? क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का? रिकन्सिलेशन होने का पॉसिबिलिटीज़ है, आपको ऑफ़र मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप ऑफ़र आपके पार्टनर को कर सकते हो, ठीक है, आपको ऑफ़र मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, या तो आप ऑफ़र कर रहे हो, वापस रिकन्साइल कर रहे हो, रियूनियन में आ रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है आपके पार्टनर से, जैसे कि मैंने कहा कि बर्थडे, एनिवर्सरी है, स्पेशल मोमेंट आ रहा है, या यूं ही आपके पार्टनर आपको खुश करने के लिए, रिश्ता को हिल करने के लिए अपनी खुशी से कुछ ऑफर करते मुझे दिखाई दिए हैं, गिफ्ट आपको दे रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, तो आज के दिन पॉसिबल है आप दोनों का मीटिंग होना, रिकन्साइल करना, रियूनियन में आना, आपको ऑफर मिलना, ठीक है, फ्रेंडशिप का हो सकता है वो ऑफर, या मैरिज को हो सकता है, या वो ऑफ़र ऐसा हो सकता है जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है वो हिल होगा, टूटा हुआ रिश्ता वापस से बिल्ड होगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होने का भी पॉसिबिलिटीज है, ये फ्रेंडशिप से आके और क्या पॉसिबिलिटीज है? 7 of Swords। अगर ये पर्सन पहले आपसे भाग गए थे, या चीट किया था, कुछ झूठ बोला था, आपसे भाग रहे थे, ये पर्सन हमेशा भागते आए हैं, तो सच में आज बड़े वाले पछतावे में हैं, ठीक है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है अपने इस एनर्जी से। अगर ये भागते आ रहे थे, सीरियस नहीं थे आपको लेकर, बस टाइम पास वाले एनर्जी में थे, अगर इस तरह का हरकतें इनकी रही है तो आज रियल में पछता रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, आपका साथ पाने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ भी बोलना पड़ता है तो बोल देंगे, ठीक है, पर इनका इंटेंशंस आपके लिए रॉन्ग नहीं होगा। आगे जाकर ये पर्सन सब कुछ क्लियर कर देंगे, या सारा सच्चाई बताएंगे
जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, आप दोनों की अब्सेंस में एक दूसरे के साथ हुआ है, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे ब्रेक के बाद जो कुछ भी इनके लाइफ में हुआ है, ये पर्सन आपको बताएंगे, सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे, अपना प्यार मुझे प्रूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चाहे चीटर रहे हैं, चाहे जो भी रहे हैं, ये पर्सन अपना प्यार प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अपने एक्शन से कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप जानो कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे। ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, इनके साथ आपका बेबी हो सकता है, ये तो इन्फ्यूज़र होगा, ठीक है। यस, मुझे मैरिज दिखाई दिया है, इंगेजमेंट दिखाई दिया है, रिश्ता तय होते हुए दिखाई दिया है, और क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का? हैप्पीनेस देख पा रहे हो मैं आपकी लाइफ, लव लाइफ में बिल्कुल आप दोनों साथ आ रहे हो, तो हैप्पीनेस खुशियाँ तो होगी ही, ढेर सारा खुशियाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और वहीं आप लोगों में से कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सारा कुछ खबर लेते हुए देखते हुए आपको स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दिए हैं, दूर से ही आपको ताक रहे हैं, ठीक है, आपको ताक साफ किया जा रहा है कि मुझे इनकी एनर्जी मिले हैं। एक्शंस क्या हो सकते हैं इनका आज के दिन आपके लिए? क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन इनसे? ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो, नई शुरुआत का ऑफर कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स मिले हैं, थ्री ऑफ कप्स मिले हैं, सन मिले हैं, तो स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है, नई शुरुआत का ऑफर मिल सकता है, ठीक है, मुझे नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, बातचीत करना हो, आपको प्रपोज करना हो, प्रपोजल आपको मिल रहा है, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे कुछ और का हो, मैरिज का हो, इंगेजमेंट का हो, चलो आप शादी करते हैं, चलो आप कुछ बड़ा करते हैं, अपने रिश्ते को नाम देते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे नई शुरुआत। आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ रहे हैं, ये वो लव हो सकते हैं जिनके साथ आप फ्रेंडशिप में रहे हो, ठीक है, पर इमोशंस था यहाँ पर, लव था यहाँ पर, रोमांटिक फीलिंग्स थॉट्स था, तो आपके कोई फ्रेंड आपको पसंद करते हैं, वो भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई नए पर्सन भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, इनके अलावा ये पॉसिबिलिटीज है। ये तो आप किसी को प्रपोज करोगे, आप किसी को ऑफर करोगे तो एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।